मॉर्निंग क्लास 6, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद टॉपिक डायरेक्शन। सो डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ मैप। डायरेक्शंस जो हुए हैं वो मैप पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमें प्लेसेस को लोकेट करने में हेल्प करती हैं। 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोलते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में कुछ और डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, और इन्हें हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। ज़्यादातर मैप्स में एक लाइन होती है जिस पर एरो होता है और वो लेटर एन उस पर प्रिंट होता है ऑन द अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर, उसे नॉर्थ लाइन बोला जाता है। और जो लेटर एन है वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है और एरो जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। हाउएवर इन सम मैप्स नॉर्थ लाइन इज़ नॉट गिवन, लेकिन कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिन पे नॉर्थ लाइन गिवन नहीं होती है। इन सच मैप्स और ऐसे मैप्स में जो टॉप होता है मैप का उसको नॉर्थ मान लिया जाता है, और जब एक बार आप नॉर्थ डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हो तो बाकी की डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिया हुआ है डायरेक्शंस का, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। देखिए, स्केच, अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। एक एरिया की एक रफ ड्राइंग जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किसके बारे में, डायरेक्शंस या फिर लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स मतलब वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिनको पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम रूट पता कर सकें, रास्ता पता कर सकें, वो स्केच कहलाता है। स्केच जो है वो स्केल की, स्केच इज़ ड्रॉन विदाउट अ स्केल, ये इसे हम बिना स्केल की हेल्प के बनाते हैं, एंड इट ऑल्सो डज नॉट हैव कन्वेंशनल सिंबल, और इसमें कोई कन्वेंशनल सिंबल्स भी नहीं होते हैं। इट इज़ एन इनफॉर्मल गाइड टू हेल्प समवन फाइंड अ डेस्टिनेशन, और ये एक तरीके की इनफॉर्मल गाइड है जिससे कोई व्यक्ति अपने जहाँ वो जाना चाहता है उस स्थान तक पहुँच सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लान। अ मैप कैन शो डिटेल्ड फीचर्स ऑफ अ स्मॉल एरिया सच एज सिटी, टाउन और इट्स पार्ट। मैप जो है वो डिटेल्ड फीचर्स के बारे में किसी स्मॉल एरिया के बता सकता है, जैसे कि किसी सिटी, टाउन या उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में, बट इट फेल्स टू शो टू मैनी एक्यूरेट डिटेल्स, लेकिन उस जगह के बारे में ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली डिटेल्स नहीं देता है। सच एज़ योर हाउस, स्कूल और इन हाउस, जैसे आपके खुद के हाउस या स्कूल या ऑफिस के बारे में ये डिटेल इतना नहीं दे पाएगा। देयरफोर व्हेन द एक्यूरेट डिटेल ऑफ अ स्मॉल प्लेस नीड, तो जब भी हमें एक्यूरेट डिटेल चाहिए किसी छोटी जगह की तो हम प्लान का यूज़ करते हैं। अ प्लान इज़ एक्यूरेटली ड्रॉन, प्लान जो है वो बिल्कुल सटीक ड्रॉ किया हुआ होता है स्केल की हेल्प से, जो कि डिस्प्ले करता है स्मॉल एरिया को बहुत ही डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लान ऑफ अ हाउस शोज़ द एग्जैक्ट ले आउट ऑफ द हाउस। जैसे अगर कोई घर है तो प्लान मतलब नक्शा, तो जो घर का नक्शा है वो एग्जैक्टली बताएगा कि हाउस का साइज़ क्या है और उसके डिफरेंट रूम्स की लोकेशन क्या है। इट ऑल्सो शोज़ द अनकवर्ड एरियाज, और ये भी बताएगा कि कौन से एरियाज कवर्ड हैं, वॉल्स की हाइट कितनी है, सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं या डोर्स और विंडोज़ कहाँ पर हैं। अ प्लान इज़ मोस्टली यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स, जो प्लान है वो जनरली कौन यूज़ करता है, आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं, एंड टाउन प्लानर्स टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्लेस, या टाउन प्लानर्स इनको यूज़ करते हैं किसी जगह का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने में। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ ओवर, वी विल डू book exercise and copy working next class. Till then, bye.